सिल्वरिंग ऑफ लेंस के अंदर आपको क्वेश्चन में ये गिवन है कि पॉइंट ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर फ्रॉम थिन प्लेनो कन्वेक्स लेंस ऑफ 15 सेंटीमीटर। तो इस बार जो लेंस है वो कौन सा है? प्लेनो कन्वेक्स है, और इससे 20 सेंटीमीटर पहले, यू 20 सेंटीमीटर पहले आपने ऑब्जेक्ट को रखा, और फोकल लेंथ कन्वेक्स लेंस की 15 सेंटीमीटर क्वेश्चन में गिवन है। तो एक फेस प्लेन वाला सेल सिल्वर कर दिया, आपको ये बताना है कि वी कहाँ बनेगा, इमेज कहाँ बनेगी। मैंने आपको ये सिखाया था रूल, जब भी सिल्वरिंग की प्रॉब्लम आएगी, लेंस को जब सिल्वर करते हैं तो कॉम्बिनेशन एक्ट्स लाइक मिरर, तो वो कॉम्बिनेशन मिरर की तरह काम करता है। तो हम इक्वलेंट फोकल लेंथ निकालते हैं मिरर की, कैसे? हमने डिस्कस किया था कि ये लेंस, मिरर और लेंस का कॉम्बिनेशन है, और इक्वलेंट फोकल लेंथ मिरर की क्या होगी? 1/ फोकल लेंथ ऑफ लेंस, मिरर एंड अगेन लेंस। अब क्या हुआ, मिरर तो प्लेन है, मिरर जब प्लेन है तो फोकल लेंथ बन जाएगी इन्फिनिटी, तो 1/ इन्फिनिटी क्या है? 0। तो इसमें मिरर का तो कोई काम रहा नहीं, तो क्या बन गया? शीट नंबर बता दो। 25। तो यहाँ पर 1/ जो इक्वलेंट फोकल लेंथ है वो क्या बन जाएगी? 2 टाइम्स 1/ फोकल लेंथ ऑफ लेंथ। फोकल लेंथ ऑफ लेंथ तो आपको क्वेश्चन में गिवन है 15, तो यहाँ से सॉल्व करके इक्वलेंट फोकल लेंथ की वैल्यू आ गई 7.5। अब ये कॉम्बिनेशन ऑफ मिरर की फोकल लेंथ इक्वलेंट 7.5 आ गई। अब 7.5 पॉजिटिव के नेगेटिव? पॉजिटिव। और कॉमन इस सिल्वरिंग ऑफ मिरर में पॉजिटिव फोकल लेंथ का मतलब कन्वर्जिंग की डाइवर्जिंग? कन्वर्जिंग। अब अपने मन में सोचो, ऐसा कौन सा मिरर है जो कन्वर्जिंग है? कनकेव। तो इसीलिए जब न्यूमेरिकल सॉल्व होगा जिसमें यू को आप -20 पुट करेंगे, फोकल लेंथ को पॉजिटिव नहीं पुट करना या उल्टा कर देना है, क्या? नेगेटिव। अब यहां से फॉर्मूला लगा के, मिरर का फॉर्मूला लगा के वी कैन बी कैलकुलेटेड। तो ये स्टेप इंपॉर्टेंट है, उस दिन भी देखा था हमने, ये साइन कन्वेंशन चेंज हो जाती है, जो भी यहाँ पर आंसर आता है आपने नोट किया होगा, यहाँ उल्टा हो जाता है, क्योंकि अगर ये कन्वर्जिंग है तो ये कनकेव बन जाएगा, अगर डाइवर्जिंग नेगेटिव है तो ये कन्वेक्स बन जाएगा। ये स्टेप इसमें ध्यान से देखने वाला है। अब जैसे ये वाला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है, वो कह रहा है कि फिर से सेम क्वेश्चन है, प्लेनो कन्वेक्स है और आपने इसको क्या कर दिया? सिल्वर कर दिया। आप इस कॉम्बिनेशन की फोकल लेंथ निकाल दें। अभी अभी 2 मिनट पहले हमने क्वेश्चन किया, 1/ फोकल लेंथ क्या होगी, इक्वलेंट फोकल लेंथ क्या होगी कॉम्बिनेशन की? 1/ लेंस की, मिरर की, लेंस की। मिरर को तो आपने ये वाले को प्लेन कर दिया, सिल्वर कर दिया, तो इसकी फोकल लेंथ तो इन्फिनिटी, तो यहाँ पर क्या आएगा? 2/f आएगा। अब 1/f लेंस के लिए क्या होगा? प्लेनो कन्वेक्स लेंस के लिए लेंस मेकर लगा लो, लेंस मेकर से 1/f क्या होगा? म्यू -1, 1/r -1/∞ से 1/f आ गया। 1/f को यहाँ पुट कर दो और सॉल्व करके कैपिटल एफ की वैल्यू निकाल लो, आंसर आ जाएगा, क्योंकि निकालना तो आपको कैपिटल एफ है। कैपिटल एफ निकालने के लिए आपको किसकी रिक्वायरमेंट है? 1/f की। तो 1/f की वैल्यू यहां से यहां पुट करके क्रॉस मल्टीप्लाई करके कैपिटल एफ की वैल्यू कैन बी कैलकुलेटेड। तो पॉइंट लेकिन समझ में आ रहा है कि कैसे सोच रहे हैं, सेम मिलता जुलता क्वेश्चन है, इस बार फिर से प्लेनो कन्वेक्स है, लेकिन इस बार इसको सिल्वर नहीं किया, कर्व वाले को सिल्वर कर दिया। कह रहे आप इसकी फोकल लेंथ निकाल दो। अब क्योंकि आपने कर्व को इसमें सिल्वर किया, रूल वहीं से स्टार्ट होगा, 1/ लेंस, मिरर एंड लेंस। इस बार जो मिरर है वो प्लेन नहीं है, तो इसलिए इसकी फोकल लेंथ क्या होगी? R/2। तो इसकी जगह पुट करेंगे R/2, तो ये आपके पास इक्वलेंट फोकल लेंथ आ गई। आपको 1/f कहां से मिलेगा? लेंस मेकर से, क्योंकि प्लेनो कन्वेक्स लेंस है, तो लेंस मेकर से फिर से 1/f निकालो और यहां पे पुट कर दो, सॉल्व करके यहां से कैपिटल एफ की वैल्यू कैन बी कैलकुलेट। निकालना तो कैपिटल एफ है, पर रिप्लेस करना पड़ेगा 1/f को। तो आइडिया समझ में आ रहा है कि प्लेनो कन्वेक्स लेंस की प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करना है।